नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको पापूजी के बारे में बताएंगे, पापूजी राठौड़ के बारे में। पापूजी राठौड़, पापूजी राठौड़ के उपनाम इन्हें लक्ष्मण का अवतार मानते थे। लक्ष्मण का अवतार मानते थे राव सिया का वंशज। राव सिया का वंशज मानते थे। पापूजी राठौड़ का उपनाम लक्ष्मण का अवतार, राव सिया का वंशज। पापूजी का जन्म, जन्म 1239 कोलुमंड। कोलुमंड कहाँ पे पड़ता है? जोधपुर में। कोलुमंड जोधपुर में 1239 को कोलुमंड जोधपुर में पड़ता है। पापूजी का जन्म 1239 को कोलुमंड जोधपुर में। पिता का नाम, पापूजी के पिता धांधल देव। धांधल देव राठौड़। पिता का क्या नाम था? धांधल देव राठौड़। माता का नाम कमला दे। पापूजी राठौड़ के पिता का नाम धांधल देव, माता का नाम कमल दे। पत्नी का नाम, सुप्यार दे। पापूजी राठौड़ का जन्म 1239 ईस्वी को कोलुमंड जोधपुर में हुआ था। पिता का नाम धांधल दे, माता का नाम कमल दे, पत्नी का नाम सुप्यार दे। सुप्यार दे अमरकोट पाकिस्तान, वर्तमान अमरकोट पाकिस्तान में पड़ता है। अमरकोट पाकिस्तान में पड़ता है महाराजा सुरजन सिंह की पुत्री कौन थी? सुप्यार दे अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता था। अमरकोट के राजा सुरजन सिंह की पुत्री, सुरजन सिंह सोडा की पुत्री थी। उतार लो इसको आप। पापूजी राठौड़ का उपनाम लक्ष्मण का अवतार मानते थे इनको, राव सिया का वंशज मानते थे। जन्म 1239 को कोलुमंड जोधपुर में हुआ था। पिता का नाम धांधल देव राठौड़, माता का नाम कमल दे, पत्नी सुप्यार दे, अमरकोट पाकिस्तान में सुरजन सिंह सोडा की पुत्री थी। सुरजन सिंह सोडा की पुत्री।
सुरजन सिंह सोडा की पुत्री, उतार लो इसको। उतार लिया आपने, आगे बढ़ते हैं। बाबूजी राठौड़ के उपनाम, इन्हें लक्ष्मण का अवतार मानते थे, रावसिया का वंशज मानते थे। बाबूजी राठौड़ का जन्म 1239 को कोलूमंडी जोधपुर में हुआ था। पिता का नाम धांधल देव राठौड़ और माता का नाम कमल दे, पत्नी का नाम सुप्यार दे। अमरकोट जो वर्तमान में पाकिस्तान में पढ़ता था, अमरकोट वर्तमान में जो पाकिस्तान में पढ़ता है, सुरजन सिंह सोडा की पुत्री थी सुप्यार दे। बाबूजी राठौड़ कोलूमंड कहाँ पे पड़ता है? जोधपुर में। कोलूमंड कहाँ पे पड़ता है? जोधपुर में। कोलूमंड जोधपुर में। तो एक इसके पीछे कहानी है कि बाबूजी के बहनोई बाबूजी के बहनोई जायल नागौर, जायल जो कहाँ पे पड़ता है? नागौर में। जायल कहाँ पे पड़ता है? नागौर में। जीवराज खींची, जीवराज खींची खींची, इनके बहनोई का नाम, इनके बहनों का नाम था जीवराज खींची, जो जायल नागौर के थे। तो कोलूमंड जोधपुर में पड़ता है, उनके बहनोई जायल नागौर के थे, जीवराज खींची। तो भाई शादी करने के लिए सुप्यार दे के पिताजी से बोला कि सुप्यार दे कि बाबूजी को भाई शादी करने के लिए जाते हैं तो बहनोई साथ में होना चाहिए। तो क्या जीवराज खींची और बाबूजी के बीच में झगड़ा चल रहा था, तो जीवराज खींची नहीं गए थे। तो इन्होंने पत्र भेजा, किन्होंने? बाबूजी ने पत्र भेजा किसी के साथ में, जीवराज खींची के पास, जीवराज खींची के पास भेजा कि तुम भाई आ जाओ। तो कोलूमंड, कोलूमंड में देवल चारणी, देवल देवल चारणी जिसकी घोड़ी का नाम था घोड़ी, घोड़ी का नाम था केसर कालनी। क्या नाम था? केसर कालनी। तो कहा जाता है कि ये इतनी सुंदर थी कि इसकी अद्भुत, मतलब अद्भुत सुंदर थी, इसकी मूल्य, इसका कोई मूल्य था, ये अमूल्य थी, ये अमूल्य थी बिल्कुल। तो शादी करने के लिए चले जाते हैं सुप्यार दे से शादी। तो वही शादी, जीवराज खींची जी नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए जीवराज खींची, इनके बहनोई नहीं आए, नहीं आए जीवराज खींची। तो बाबूजी राठौड़ शादी करने के लिए सुप्यार देश से चले गए थे अमरकोट पाकिस्तान, जो वर्तमान में पड़ता है, अमरकोट में चले गए थे, अमरकोट। अमरकोट में चले गए थे। तो क्या हुआ, बाबूजी ने लगभग 3.5 फेरे, लगभग 3.5 फेरे ले लिए थे, लगभग 4 लगा लो, 4 फेरे ले लिए थे।
तब एक वहाँ पे अमरकोट में कौन पहुँची, देवल चारणी। देवल चारणी पहुँची और बाबूजी राठौर से कहने लगी कि आपके बहनोई आपके बहनोई कोलुमंडे जोधपुर में आकर अपनी गायों को ले गए। और देवल चारणी बोली कि आप गायों को छुड़वा कर लेके आओ, अगर बाबूजी राठौड़ के सामने समस्या थी कि वो शादी के लिए आए थे यहाँ पे, कि वो गाय छुड़ाएं कि शादी करें। फेरे तो चार फेरे लगभग हो चुके थे, तो उनके अमरकोट सुरजन सिंह जी ने बोला कि आप जितनी गायों को लेके गए हैं उनसे दुगनी गाय मैं आपको दे दूंगा, कि आप मेरी बच्ची से शादी कर लो, कि आप अधूरी रह जाएंगे, फेरे की अधूरी शादी रह जाएगी। मतलब सुरजन सिंह जी ने बोला कि मैं आपको जितनी गाय लेके गए हैं उनसे दुगनी गाय दे दूंगा मैं आपको। तो देवलचारणी नहीं मानी। फिर देवलचारणी की बात सुनकर बाबूजी युद्ध करने के लिए जीवराज खींची से चले गए। और जीवराज खींची से युद्ध करने के लिए चले गए, तो युद्ध हुआ उन दोनों के बीच में, तो बाबूजी वीरगति को प्राप्त हो गए। तो बाबूजी वीरगति को प्राप्त हुए थे ढेंचू गांव में। कहाँ पे हुए थे? ढेंचू गांव जोधपुर में, वीरगति को प्राप्त हो गए। कि भाई बाबूजी राठौड़ कोलुमंड की देवल चारणी घोड़ी केसर कालिनी, उनके बहनोई थे जायल नागौर के थे जीवराज खींची, जो उनकी शादी में नहीं आए थे। बाबूजी से देवल चारणी ने बोला कि भाई तुम्हारे बहनोई गायों को ले गए कोलुमंड से ले गए, तो आप उनको छुड़वा कर लेके आओ। तो सुरजन सिंह जी ने बोला कि मैं आपकी जितनी गायों को लेके गए उनसे दुगनी गाय मैं आपको दे दूंगा, पर आप मेरी बच्ची मेरी लड़की से शादी तो कर लो, शादी संपन्न हो जाने दो, फिर चले जाना। देवल चारणी की बात सुनकर बाबूजी चार फेरे लेकर ही चले गए और ढेंचू जोधपुर में जाकर वीरगति को प्राप्त हो गए। कहने का मतलब गायों की गोरक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए। उतार लो, उतार लिया भाई, आगे चलते हैं। एक बार मैं आपको रिपीट बता देता हूँ कि बाबूजी राठौड़ का अवतार, इनके लक्ष्मण जी का अवतार मानते थे, बाबूजी राठौड़ राव सिया के वंशज थे। बाबूजी राठौड़ का जन्म कोलुमंड 1239 को कोलुमंड में हुआ। उनका पिता का नाम धांधल देव जी राठौड़, माता का नाम कमल देव, पत्नी का नाम सुप्यार देव, जो अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में पढ़ता था, सुरजन सिंह सोडा की पुत्री थी। ठीक है ना भाई? तो उनके कोलुमंड से वो शादी के लिए चले गए, तो देवल की गायों को ले गए थे कौन? जीवराज खींची जी, उनके बहनोई जो जायल नागौर के थे। तो केसर कालिनी उनकी घोड़ी थी, जो अद्भुत सुंदर थी, उसका कोई मूल्य नहीं था। कहने का मतलब ये, उसका अमूल्य थी वो, उसका कोई मूल्य नहीं था। तो आगे बताते हैं आपको, बाबूजी राठौड़ का मंदिर, बाबूजी राठौड़
बाबूजी राठौड़ का मंदिर बाबूजी राठौड़ का मंदिर कहाँ है भाई? कोलुमंड में। कहाँ है भाई? कोलुमंड में। बाबूजी राठौड़ का मंदिर कोलुमंड कहाँ है भाई? जोधपुर में। अन्य मंदिर, अन्य मंदिर जो मुख्य मंदिर है वो कोलुमंड जोधपुर में है और अन्य मंदिर, अन्य मंदिर आयड़ उदयपुर में है। कहाँ है भाई? आयड़ उदयपुर में। कहाँ है भाई? आयड़ उदयपुर में। बाबूजी राठौड़ का मुख्य मंदिर कोलुमंड जोधपुर में और अन्य मंदिर आयड़ उदयपुर में। इनका मेला, मेला कब भरता है भाई? मेला चैत्र अमावस्या। कब भरता है भाई? चैत्र अमावस्या। चैत्र अमावस्या को भरता है। बाबूजी राठौड़, बाबूजी राठौड़ को भील जाति, भील जाति, नायक जाति, नायक जाति और रेवारी जाति, रेवारी जाति आराध्य देव मानती थी। किनको भाई? बाबूजी राठौड़ को भाई। भील जाति, नायक जाति और रेबारी जाति बाबूजी राठौड़ को अपना आराध्य देव मानती थी। सबसे पहले ऊंट, ऊंट, ऊंट बाबूजी राठौड़ बाबूजी राठौड़ ही लेकर आए थे। सबसे पहले ऊंटों को बाबूजी राठौड़ ही लेके आए थे। तो रेबारी जाति, जाति ऊंटों का पालन पोषण करती है। भाई ऊंटों का पालन पोषण रेवारी जाति करती थी है। भील जाति, नायक जाति, रेबारी जाति बाबूजी राठौड़ को अपना आराध्य देव मानती है, आराध्य देव मानती है। इनका मुख्य मंदिर कोलुमंड जोधपुर में है और अन्य मंदिर आयड़ उदयपुर में है। मेला इनका, बाबूजी राठौड़ का मेला है, चैत्र अमावस्या को भरता है। इनको ऊंटों का देवता भी कहा जाता है। उतार लो भाई इसको। उतार लिया भाई। उतार लिया तो आगे बढ़े। ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता कौन है भाई? बाबूजी राठौड़। कौन है भाई? बाबूजी राठौड़। इनके
भगत जो सहयोगी सहयोगी चांदा हरमले और डेरा इनके सहयोगी या भगत थे। ऊंटों को देवते ऊंटों का देवता बाबूजी राठौड़ को ही जाना जाता है। इनके मुख्य मुख्य भगत हरमल डोरा और चांदा ये तीनों इनके प्रिय भगत या सहयोगी थे। ऊंटों के देवता बाबूजी राठौड़ सहयोगी थे, चांदा हरमल डेरा थे। ठीक है भाई, इसको भी उतार लो आप। ओके, ये अपना बाबूजी राठौड़ पूरा हुआ, समाप्त हुआ।